लेकिन सिर्फ यही बात नहीं, मेधा जी जब बोल रही थी, जिन्होंने आग्रह किया था कि राजनीतिक पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर ये विधेयक जब आएंगे उन विधेयक को समर्थन दें और इन आंदोलनों को और इन संघर्षों को उनको अपनी तरफ से मदद और इसके साथ उनकी समर्थन एकजुटता वो घोषित करेगा। बिल्कुल, हम ये सभी बात करने के लिए तैयार हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि पूरी दिलो दिमाग के साथ हम जो है आपके इन सभी चीज़ों में हम आपके समर्थन में खड़े रहेंगे और जितना भी हो सके वो मदद रहेगा। खैर, इन औपचारिक बातें को छोड़िएगा, इसके साथ साथ जो जिन मुद्दे पर ये दो दिन का जो कन्वेंशन जो हो रहा है, ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिसके साथ हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी की पूरी उनकी समझ स्पष्ट है। आज जिस तरीके की जो संकट है, मैं संकट ही नहीं कहता हूँ, संकट का मतलब है क्राइसिस, तो आज एग्रेरियन क्राइसिस ही नहीं है देश में, लेकिन एक एग्रेरियन डिस्ट्रेस है। माने उस संकट से चलकर जो खेती के साथ जुड़े हुए लोगों की जो जिंदगी का जो स्तर है उसके अंदर जो गिरावट जो आ रही है, ये याद दिलाती है आखिरी 50 साल जो ब्रिटिश हुकूमत के जो चल रहे थे किस तरीके से बर्बाद हुई देश की खेती, उस तरीके की बर्बादी की शुरुआत नज़र आ रहे आज हमारे देश की खेती के साथ हो रहा। और इसके पीछे हमारी पार्टी की तरफ से हमारी विश्लेषण है, ये सिर्फ खेती का नज़रअंदाजी की वजह से नहीं, ये सिर्फ आज इस सवाल पे क्योंकि खेती से उतना ज़्यादा राजनीतिक फायदा या चुनावी फायदा उनको मिलना नहीं है, इसलिए ये पार्टियां जो आज शासन में हैं वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा जो कारण है जिसको हम सबको समझने की ज़रूरत है, जो आपके भूमि आंदोलन के साथ भी जुड़ा हुआ है, आपके ज़मीन की लैंड एक्विजिशन के साथ भी जुड़ा हुआ है, और ये सब सवाल इसलिए हो रहा है, इसके लिए एक मूल बात जो हम समझते हैं, जो हमारे विश्लेषण है कि भारत की खेती को की बर्बादी आज दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद और विकसित देशों भी चाहते हैं कि यहाँ पर खेती पैदा कर आत्मनिर्भरता, खेती और अनाज का हमारे देश में हम पैदा ना करें, जो अपने देश के लिए ज़रूरत है अनाज और देश के लोगों की भूख मिटाने के लिए, वो हम खरीदें उन देशों से जहाँ पर उनकी खेती को बहुत बड़ी सब्सिडी देते हैं वो, और उनका जो अधिक जो वहाँ पर जो उत्पादन जो होता है उसको बेचने के लिए, ये ज़रूरी है कि हमारे देश देशों की खेती को बर्बाद करें। करते करते सैकड़ों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी और रोजमर्री जिंदगी और उनके वो पूरा का पूरा बर्बाद होगा। तो ये साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों की आज जो विश्वीकरण के दौर में जिस तरीके से एक आर्थिक गुलामी के ओर अपने जैसे विकासशील देशों को ले जा रहा है, उसके साथ भी जुड़ी हुई ये संकट जरूर राहत पहुंचाने के लिए अपने किसानों के लिए कानूनी नए कानूनों की ज़रूरत है। वो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट जब आई थी और वो न्यूनतम दाम की बात जब कही गई थी, उत्पादन खर्चे की 150 गुना ज़्यादा होगा और वो उत्पादन दाम का घोषणा करने के लिए सभी लोग जुटे हैं और सभी कह रहे हैं कि उसकी घोषणा करो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। हम चाहते हैं कि उससे भी एक कदम हम आगे बढ़े मेधा जी, और हम चाहते हैं कि भूमि अधिकार आंदोलन इसको इसके बारे में आप विचार करें, क्योंकि सिर्फ घोषणा करने से मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपना कोई हल नहीं होता। जब तक सरकार के पास कानूनी तौर पर ये सरकार की जिम्मेदारी हम नहीं बनाएंगे कानून के तौर के आधार पर कि जब भी किसान जाएगा मंडी में अपनी खेती को बेचने के लिए सरकारी और सरकारी संस्थाओं के पास और कोई चारा नहीं होगा वो न्यूनतम दाम पर उसे खरीदने के बिना वो इनकार नहीं कर सकते। आज हो क्या रहा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेती नहीं है किसानों से और लाचार
वो जो है प्राइवेट आपके प्राइवेट लोग को बेचना पड़ता है उनको, जो ट्रेडर्स को, और उसके चलते हुए दाम उनको मिलता नहीं। सो राइट टू सेल एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जब तक ये नया राइट नहीं मिलेगा किसान को, घोषणा जितना भी कर लें आप, जिंदगी में फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसके लिए इस दर के लिए, इस नए कानून के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत होगी। ये जो बातें आपने अभी बहुत कुछ विवरण हुआ उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ मैं। गौ रक्षा के नाम पर जो प्राइवेट आर्मियों की जो सृष्टि हो गई देश में, और ये प्राइवेट आर्मियाँ जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर कह रहे हैं कि कानून की रक्षा करने वाले वो है, कानून है गौ रक्षा पे कई सारे हमारे देश के प्रदेशों में, और कई सारे वहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी वो सरकार की है। कानून का उल्लंघन होता है तो उसके अपराधी को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की है, और अपराध को शिक्षा देना और किस तरीके की शिक्षा होगी वो कोर्ट कचहरी का काम है। सब संवैधानिक संस्थाएं इन सब संविधान संस्था को पार कर हमारी निजी आर्मी जो है वो तय करेगी कौन है सही, कौन कानून पालन कर रहा, कौन नहीं। ये फांसीवादी रुझान के अलावा और कुछ नहीं, ये वही रुझान है जिस तरीके से प्राइवेट आर्मियां तय करेंगी देश किस आधार से चलेगा, ना कि देश का संविधान और संवैधानिक व्यवस्था। और ये जुड़ जाता है इस संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर ही जो हमला जो हो रहा है। आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट के अंदर मदद चाहते हैं, हम समर्थन दें, पार्लियामेंट को चलने दें तभी तो ना। अब हो क्या रहा, बिना कोई बहस के इस साल का बजट फिनांस बिल आपका पारित हो गया, यानी सरकार को अधिकार मिल गई तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का राशि वो अपने कंसोलिडेटेड फंड से निकालने और खर्च करने की अधिकार सरकार ने ले ली बिना एक शब्द की डिस्कशन के चलते हुए, बिना कोई विचार किए हुए संसद के अंदर। जब संसद के अंदर गड़बड़ हो रहा था यानी डिस्टर्बेंस हो रही थी, उस समय उसको पारित करके घोषणा कर दिया कि पारित हो गया। और पिछले 3 दिन जब अविश्वास पर एक प्रस्ताव जब पेश हुआ इस मोदी सरकार के खिलाफ, उस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार ना करने के लिए सरकार की जो समर्थन देने वाले दल खुद वो जाकर कुछ गड़बड़ करे और ऑर्डर को बिगाड़े, तो उस अविश्वास प्रस्ताव को उसके बारे में अनुमति भी कि वो उसको स्वीकार करेगी कि नहीं वो नहीं हो रही है। 3 दिन से संसद को बंद करके रख रहे, यानी संसदीय प्रणाली के ऊपर ही बहुत बड़ा हमला। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से जुड़े हुई आपकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो इस गौ रक्षा के नाम पर और बाकी सब चीजों के नाम पर जो भी वो उठाते उन सभी मुद्दों के नाम पर, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो गौ रक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, या आपके मोरल पुलिसिंग के नाम पर अपने बच्चों को बताएं कि क्या कपड़े पहन सकते हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार होगा, किसके साथ वो दोस्ती कर सकते हैं, किस तरीके की खाना खा सकते हैं, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, ये सब वो तय करें। आज आपके सरकारी जो एयर इंडिया के अंदर जाइए जहाज में, हवाई जहाज में, तो वहां पर जो है मांसाहारी खाना सब बंद कर दिया देना, कहता ओनली वेजिटेरियन। बाकी एयरलाइन दे रहे, कानून है तो सब पे लागू होगा, नहीं सरकार के ना हमारी सरकार है तो हमारी जो एयरलाइन है उसके अंदर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा। यानी वो तय करेंगे हम क्या खाएं, हम क्या पहने, हमारा दोस्त कौन होगा, हमारे बच्चे किससे शादी करेंगे, वो सब तय वो करेंगे। ये जो ध्रुवीकरण जो हो रही है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा। और वो बड़ा षड्यंत्र क्या है, वो यही कि आज की जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो अपना भारत है, इस गणराज्य को जो इस संविधान के ऊपर जो चलता है उसी को उसकी की चरित्र बदलना, यानी उसी
संविधान के खिलाफ ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो चल रहा है, और ये सिलसिला, ये संघर्ष मेरे हिसाब से शुरू होता है तकरीबन 100 साल पहले, आजादी के समय बैठे वरिष्ठ नेता बड़े बड़े आंदोलन के साथ हम लोग सब जुड़े हुए थे। आजादी के समय एक सवाल के ऊपर बड़ी बहस होती थी, स्वाभाविक था कि आजाद हिंदुस्तान का चरित्र क्या होगा, क्या होगा कैरेक्टर इंडिपेंडेंट इंडिया का। कांग्रेस जो नेतृत्व दे रही थी उनका ये मानना था कि एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र होगा, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वामपंथी ताकतें कई रुझाने थी वामपंथियों में, तो सब वामपंथी ताकतें क्या कह रहे कि सिर्फ धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र से काम पूरा नहीं होता आजादी का, जब तक ये राजनीतिक आजादी आर्थिक आजादी में नहीं बदलेगी लोगों की, यानी समाजवाद की ओर जब तक हम नहीं जाएंगे, तो ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही इसको जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके विपरीत पैदा हुए थे दो जुड़वे भाई, एक ही व्यू था और दोनों का यही कहना था कि आजाद हिंदुस्तान का चरित्र होगा लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ जो जुड़ाव है, किस धर्म के साथ जुड़े हैं उसके आधार पर इसका चरित्र तय होगा। पैदा हुआ एक तरफ से मुस्लिम लीग और उसका इस्लामिक स्टेट, और दूसरी तरफ से आरएसएस और उसका हिंदू राष्ट्र, और ये टकराव कि इस चरित्र को बदलना देश का, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र रहेगा, गणराज्य रहेगा, या आरएसएस के उद्देश्य के मुकाबले में वो हिंदू राष्ट्र भी बदलेगा, ये टकराव इसके चलते महात्मा गांधी का ही जान ले लिया गया था उस समय, जब क्योंकि उनका पाकिस्तान बन गया लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनी, वो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना उसमें। अब वहां से लेकर आज तक यही संघर्ष आज भी जारी है, आज कोशिश यही है कि इस संविधान को उल्टा कर वो हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था जो आरएसएस का व्यू है उसको थोपना, अगर उसको थोपना है तो धार्मिक रूप से एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना, अगर उसको थोपना है तो आज ये जो संसदीय प्रणाली का जो ढांचा है इसको कमजोर करना है, अगर वो थोपना है तो आज हमारे देश के जो शासक वर्ग, यानी अपने देश के बड़े बड़े पूंजीपति, हमारे देश के बड़े बड़े जमींदार, उनके समर्थन की जरूरत है, और उनके समर्थन की जरूरत है तो उनके अनुकूल आर्थिक नीतियों को लागू करने की जरूरत है। तो ये आर्थिक नीतियां जो बदल रहे हैं हमारे शासक वर्गों के हित में, और इसीलिए सबसे बड़े बड़े पूंजीपति आज समर्थक है सरकार, और इसको अगर लागू करना है तो ये सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काते हुए कोई भी बहाना, गौरक्षा या लव जिहाद या घर वापसी या मॉरल पुलिसिंग, एंटी रोमियो स्क्वाड, या फिर राम मंदिर का सवाल, या धारा 370, जो भी सवाल, इस सवाल पर इन भावनाओं को भड़का के हमारे देश की ये जो धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य है इसको कमजोर करने के लिए इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करे विदेशी पूंजी के लिए और देश के बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए, और साथ ही साथ इस संविधानिक व्यवस्था और इस ढांचे को कमजोर करे, खत्म करे। तो मेरा सराग यही है इसका कि ये जो संघर्ष भूमि अधिकार आंदोलन का है ये जुड़ा हुआ है एक बहुत ही बड़ा संघर्ष जो तय करेगा आने वाले दिनों में क्या भारत का चरित्र वो बचा रहेगा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य रहेंगे या नहीं, और उसको रखते हुए अपनी नए पीढ़ी के लिए एक बेहतर भारत का निर्माण करना है। तो ये भूमि सुधार, ये भूमि अधिकार आंदोलन, ये आंदोलन के साथ साथ इसको और व्यापक और मजबूत बनाते हुए ही लोगों को लामबंद किए बिना ये संघर्ष में कामयाबी नहीं होगी। तो इसलिए हमारी पार्टी के समर्थक इस आंदोलन के साथ और आप सब के साथ इस दृष्टिकोण से भी है कि जैसे देश की आज़ादी असंभव होता अगर देश का किसान बड़े बड़े आंदोलन में नहीं उतराता, अगर एक तरफ से तेलंगाना नहीं होता,
मतलब बंदूकें लेकर लड़ाई वहाँ पे जमीन के सवाल पर, दूसरी तरफ से पुनर्वाह ऐलान नहीं होता केरला में, यह तेबागा नहीं होता आपके बंगाल में, यह आपके सुरमा वैली की नहीं होती असम में, महाराष्ट्र के अंदर वर्ली आदिवासियों का ये नहीं होता। इस तरीके से हजारों जो आंदोलनों ने जो किसानों की हुई वही इस प्रभाव को मजबूत किया कि जो आखिर में देश की स्वतंत्रता आंदोलन बनी। तो आपकी भूमि अधिकार आंदोलन का एक बहुत बड़ा भूमिका है और वो भूमिका जमीन के साथ जुड़ी हुई है। आज इस भारत को बचाते हुए आने वाले दिनों में बेहतर भारत बनाना, हर मांग आपकी सही, उसके साथ हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। हमारे हिसाब से हमारी भी आग्रह रहेगी जब हम कहेंगे कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, एक और मांग जोड़ते हुए वो राइट टू मिनिमम सेलेक्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो राइट की जरूरत है आज देश में। इस तरीके की बातें हम भी आपको देते रहेंगे, लेकिन हमारी क्रांतिकारी बधाई आप सबको इस बात से कि आज भारत को बताना है और बदलना है बेहतर भारत में, बिना इस तरीके की आंदोलन की और इस तरीके की एकता की। और सबसे बड़ी बात, 200 संगठन इकट्ठा हुए, राजनीतिक पार्टियां, जन संगठन, आपके पीपल्स मूवमेंट्स, नेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स, ये लोग NAPM, ये लोग सब जो आए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आने वाले दिनों में और मजबूत होगी और उनके आंदोलन और तेजी से उभरेंगे, इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारी एकजुटता, हमारी समर्थन, हम पूर्ण आपके आपको कहते हुए मेरी बात खत्म करते हैं।